अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है सुजुकी लियाना। इसका फ्रंट सस्पेंशन हमने ओपन किया हुआ है। इसके एक्सल का साउंड आ रहा था लेफ्ट राइट टाई के अंदर, बुक फटे हुए हैं। एक्सल इसके ख़राब है, ये हम न्यू इंस्टॉल करेंगे। और गाड़ी का गियर लीवर नहीं था काम कर रहा, अंदर से बुश वगैरह इसके टूटे थे, वो हमने न्यू इंस्टॉल कर दिए हैं। गियर लीवर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सस्पेंशन जो है दोनों साइडों के हम ये एक्सल न्यू इंस्टॉल करेंगे। देखते हैं, सस्पेंशन हमने इसका मुकम्मल ओपन कर लिया हुआ है। और इसका इंजन में मसला है, इसकी इंजन इसका मिसिंग कर रहा है। इसकी मुकम्मल इंजन ट्यूनिंग करेंगे हम, ट्यूनिंग करके दोबारा सामान ओपन करके दोबारा आपको रिप्लाई देंगे। सुजुकी लियाना का देख सकते हैं सामान हमने मुकम्मल ओपन कर लिया हुआ है। ये देख सकते हैं इसके फाउंडेशन वगैरह भी हमने बाहर निकाल लिए हैं, ये पड़े हुए हैं नीचे। सस्पेंशन का सामान भी बिल्कुल सारा ओपन हो चुका है। इसके फ्रंट हबों के बैरिंग हम न्यू इंस्टॉल करेंगे और दोनों साइडों के एक्सल इंस्टॉल करेंगे। और ये बॉल जॉइंट्स वगैरह हैं, ये न्यू इंस्टॉल करेंगे। डिस्क पैड इसके बिल्कुल एंड हो चुके हैं, वो भी न्यू इंस्टॉल करेंगे। अलग अलग सारा सामान इसका हम मंगवा के दोबारा न्यू मंगवा के दोबारा आपको रिप्लाई देंगे। इसका फाउंडेशन भी टूटा हुआ पीछे वाला, जो ब्रैकेट है फाउंडेशन का ये देख सकते हैं, ये भी हमने ओपन कर लिया, ये भी न्यू इंस्टॉल करेंगे हम। मेरे कैफ इंजीनियर साहब हैं। सुजुकी लियाना का हमने गियर बॉक्स भी डाउन कर लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। गियर बॉक्स हमने इसका डाउन कर लिया और फाउंडेशन वगैरह हमने इसके न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं, ये वाला न्यू इंस्टॉल कर दिया। ये इसका गियर बॉक्स पड़ा हुआ है, ये इसकी क्लच प्लेट है, बिल्कुल डाउन हो चुकी है, देख सकते हैं। पहले भी किसी ने चैनल की इंस्टॉल की हुई थी, ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन। ये सेट हमने न्यू मंगवा लिया हुआ, इसको भी हम लेथ वाले के पास भेजेंगे। ये वाला न्यू सेट है इसका साइड का, रादिये के पास भेजेंगे हम इसको। इसका प्रेशर वगैरह चेक करवाएंगे और फ्लाईव्हील को टूल लगवाएंगे। ये देख सकते हैं खड़ा हुआ है, ये मेरा स्थान सुना साहब है। ये वाली कंपनी का हम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं क्लच सेट एक साइड का। इंशाल्लाह इसका सामान कंप्लीट करके हम दोबारा आपको रिप्लाई देंगे। सुजुकी लियाना का गियर बॉक्स हमने इंस्टॉल कर दिया है, ये देख सकते हैं गियर बॉक्स इसका इंस्टॉल हो चुका है। इंशाल्लाह अभी इसका मुकम्मल सामान कंप्लीट करके हम दोबारा आपको रिप्लाई देंगे। ये देख सकते हैं इसका पुराना सेट है, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट और क्लच बैरिंग। सस्पेंशन का भी काम इसका तो हो रहा है। इंशाल्लाह सारा सामान क्लियर करके हम दोबारा आपको रिप्लाई देंगे। ये हमारे कैफ इंजीनियर साहब हैं। सुजुकी लियाना देख सकते हैं, गाड़ी का सस्पेंशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं हर चीज़ की हमने इंस्टॉल कर दी है, ड्रमों को टूल वगैरह भी लगवा लिया है। डिस्क पैड इसके न्यू इंस्टॉल करनी है। गियर बॉक्स भी इसका मुकम्मल इंस्टॉल हो चुका है, देख सकते हैं हर चीज़ इसकी बिल्कुल ओके हो चुकी है। इंशाल्लाह सुबह इसका ट्यूनिंग का सामान खोलेंगे हम, आके इसकी ट्यूनिंग वगैरह करेंगे। दोनों साइडों से सस्पेंशन का काम मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुजुकी लियाना गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला इसकी ट्यूनिंग करके हम दोबारा आपको रिप्लाई देंगे और गाड़ी को क्लियर करके आपको रिप्लाई देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, सुजुकी लियाना हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं गियर बॉक्स हमने इसका इंस्टॉल कर दिया है। फ्रंट सस्पेंशन भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है, व्हील वगैरह हमने इसके इंस्टॉल कर दिए हैं। ये हमारे सुल्ला साहब हैं, ये देख सकते हैं दोनों साइडों के व्हील हमने इसके इंस्टॉल कर दिए हैं। अभी हम आपको इसकी स्टार्टिंग चेक करवाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी हाफ स्टार्ट हो चुकी है,
देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी फासल स्टार्ट है। इसकी हमने इंजन ट्यूनिंग भी कर दी है मुकम्मल, गेयरबॉक्स इसका इंस्टॉल हो चुका है। देखते हैं इसकी पिकअप भी ज़बरदस्त हो चुकी है, पहले ही गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही थी, एक नंबर सिलेंडर इसका काम नहीं था कर रहा, उसकी एक नंबर इंजेक्टर की वायरिंग वगैरह टोटली शॉर्ट थी, टूटी हुई थी, वो भी हमने क्लियर कर दी है। इसकी वायरिंग चेक कर सकते हैं, वायरिंग के अंदर शॉर्टेज थी, ये इसके कैम सेंसर की वायरिंग है, इसको भी हमने अच्छी तरह टेप वगैरह कर दी है, और नीचे क्रैंक सेंसर की भी वायरिंग टूटी हुई थी, सारा कुछ इसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दी है। कासिम ऑटो EFI वर्कशॉप पिंडी बाईपास गुजरा वाला, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें, हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।